दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 1 फरवरी 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज, टाटा IPL 2023 की स्टार्टिंग डेट और एशिया कप के वेन्यू को लेकर हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स आज की तारीख में देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज को लेकर, जहां पर तीन मैचों की T20 सीरीज के दो T20 महामुकाबले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट T20 मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज की थी, सेकंड T20 महामुकाबले में टीम इंडिया ने कमबैक किया, न्यूजीलैंड को हराया और फिलहाल इस सीरीज का रिजल्ट 1-1 से बराबर और इस सीरीज का तीसरा व अंतिम डिसाइडर महामुकाबला हमें आज भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। जोन सी टीम इस महामुकाबले में जीत दर्ज करेगी, वही टीम इस महामुकाबले की चैंपियन बन जाएगी, सीरीज की चैंपियन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है इस महामुकाबले के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट को लेकर, जहां पर इस मैच के लिए पिच को तैयार किया जा चुका है। पिच दिखने में काफी ज्यादा शानदार नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर ग्राउंड के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो वो थोड़े से यहां पर हैरान करने वाले जरूर है। जोन सी टीम यहां पर टॉस जीती है, बल्लेबाजी की तरफ यहां पर जाना पसंद करती है। यहां की जो पिच है ना ही बल्लेबाजों के लिए ज्यादा बेटर, ना ही गेंदबाजों के लिए ज्यादा बेटर है। यानी भाई ना तो बल्लेबाजी में वन साइडेड सीन देखने को मिलेगा, ना यहां पर गेंदबाजी में वन साइडेड सीन होने वाला है। यानी भाई बैलेंस्ड यहां पर पिच होने वाली है। और आपको बताना चाहूंगा कि यहां का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 150-160 रन है, जिसके चलते ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हम यहां पर एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं और भाई ज्यादा लो स्कोरिंग भी नहीं होगा। हालांकि स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलेगी, सीमर्स यहां पर थोड़े से नाकामयाब नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो पिच रिपोर्ट है वो यही कि भाई जोन सी टीम टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी की तरफ जाएगी, जितना बड़ा टारगेट यहां पर रख सकती है रख देगी, क्योंकि यहां पर डिफेंड करना थोड़ा सा आसान। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है टीम इंडिया कैप्टन हार्दिक पांड्या को लेकर, जहां पर फाइनल T20 महामुकाबले की शुरुआत से पहले हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव नजर आए, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने ऐसा बोला कि पिछले महामुकाबलों में हमारी टीम ने जो गलतियां की उनसे हमने काफी कुछ सीखा है और अगले महामुकाबले में हम उन गलतियों को भुलाकर अपनी मतलब टोटली पूरी तरह से जीत के ऊपर फोकस करने वाले हैं और भाई यहां पर टीम इंडिया सीरीज को जीतने के लिए अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल सीरीज 1-1 से लेवल है और टीम इंडिया यहां पर धमाल करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार। हार्दिक पांड्या ने साथ ही साथ ऐसा भी बोला कि इस महामुकाबले में हमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है थर्ड T20 महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 को लेकर, जहां पर इस अंतिम T20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हमें दो तीन बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जहां पर सोर्सेज ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि पृथ्वी शाह को यहां पर भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, शुभमन गिल को यहां पर इस महामुकाबले से रेस्ट पर रखा जा सकता है, वही एक दो छोटा मोटा चेंज हमें यहां पर टीम इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है। खैर दोस्तों इस महामुकाबले के लिए हमारी जो पर्सनल फेवरेट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसका आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं। जहां पर भाई मेरे मुताबिक तो कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11, लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी प्लेइंग 11 आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा IPL 2023 को लेकर। जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, स्टार्टिंग डेट का सभी क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई ने दो टेंटेटिव डेट्स को रिवील किया था, जहां पर भाई आपकी 31 मार्च या फिर एक आपकी 1 अप्रैल से सीजन की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन दोस्तों कल हमें फाइनल अपडेट देखने को मिल चुका है, जहां पर IPL 2023 का पहला महामुकाबला हमें 1 अप्रैल 2023 को पिछले साल फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी दोनों टीमें, जी हां राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच
बीच देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है लखनऊ की पिच को लेकर, जहां सेकंड T20 मुकाबला लखनऊ के स्टेडियम में खेला गया था। आपके इकाना स्टेडियम की जो पिच थी उसने भाई सभी को निराश किया, उस पिच को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, बीसीसीआई ने भी यहां पर तगड़ा एक्शन लिया, आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने भी यहां पर तगड़ा एक्शन लिया है। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट हमें इकाना स्टेडियम की तरफ से देखने को मिली है वो कुछ ऐसी कि भाई आईपीएल 2023 के लिए उन्होंने अपनी स्पेशल तैयारियों की शुरुआत कर दी, जहां पर आईपीएल से पहले वहां पर स्पेशल पिचेज को तैयार किया जाएगा और वहां पर भाई आपका बिल्कुल नया स्टाफ इसको बनाने के लिए तैयार किया गया है। पुराने स्टाफ को यहां पर पूरी तरह से रूल्ड आउट क्रैश कर दिया गया है, नया स्टाफ यहां पर तैयार किया गया है, नई टीम यहां पर हायर की गई है और इकाना स्टेडियम एक बिल्कुल नई नवेली पिच हमें आईपीएल 2023 के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के होम ग्राउंड में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है वुमेन आईपीएल 2023 को लेकर, जहां सभी को बेसब्री से यहां पर वुमेन आईपीएल के ऑक्शन का इंतजार है। बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आ चुके थे जहां पर भाई अभी हमें फरवरी मंथ में नीलामी देखने को मिलने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कब होगी यहां पर नीलामी, उसके रिगार्डिंग भी हमें कल बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है, जहां पर 10 फरवरी या फिर 11 फरवरी इन दोनों में से किसी एक तारीख को दिल्ली में हमें वुमेन आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, सभी को बेसब्री से इनके ऑफिशियल वेन्यू का इंतजार है। और ऐसे में यहां पर वेन्यू के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान में डेफिनेटली हमें यह टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई भारत की टीम ने पाकिस्तान के दौरे पर जाने के लिए बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली इनकार कर दिया था, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कहां पर होगा एशिया कप 2023। भी यहां पर अब 95% कंफर्म हो चुका है कि यूएई में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बड़े अपडेट्स क्रिकेट के रिगार्डिंग आज की तारीख में निकल कर आ रही है। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन, आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।